डियर एग्जाम वॉरियर्स, मैं दीपा वर्मा भिपशा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस की इस ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं, है ना बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे या हम किसी मतलब किसी मार्क्स के लिए बात नहीं करने वाले। हम क्या बात करने, पूरे एग्जाम्स के लिए बात करने, है ना। चाहे आप कक्षा दसवीं में हो, बारहवीं में हो, नौवीं ग्यारहवीं किसी में भी हो, अगर आप पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए उतना ही उपयोगी होगा, क्योंकि मैं पर्टिकुलर किसी एक क्लास की बात नहीं करने वाली, इसमें बात करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों, है ना। तो क्या बात करने वाले भाई हम आज, आज हम बात करने वाले हैं आंसर राइटिंग, टाइम मैनेजमेंट और चीज़ों को याद कैसे रखें, है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे ने कभी हमें फ़ोन किया कि मैम चीज़ों को याद कैसे करें, हम भूल जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट कहने के क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ें हमें समझ नहीं आती। तो इसी के लिए हम क्या बात करें, टिप्स एंड ट्रिक कि कैसे चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए, है ना। जैसे क्या है, फाइनल मैच के पहले टेस्ट मैच होते रहते हैं ना, तो चलो हम अपने टेस्ट मैच की तैयारी करते हैं। और आई होप आपके प्री बोर्ड्स अभी आने वाले हैं ना, आज एक दो दिन में आपके प्री बोर्ड्स चालू होने वाले हैं, तो आप अपने प्री बोर्ड्स को 100% देंगे, है ना। क्योंकि प्री बोर्ड क्या होता है बच्चे, आपका टेस्ट मैच है। फाइनल मैच के पहले क्या करना है आपको, 1000 बार दौड़ना है, 1000 बार लिखना है। तो ये वही होगा आपका, क्या है, प्री बोर्ड, आपका जो एग्जाम मैनेजमेंट होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब के लिए क्या है, प्री बोर्ड एक रामबाण होता है ना। तो आपको उस पर काम करना होगा, ठीक है। तो चलो हम क्या बात करने वाले भाई, टिप्स एंड ट्रिक कि हमें एक्चुअली एग्जाम में कैसे प्रिपरेशन करनी है। जो ये 1 महीने बचे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, है ना। तो ये स्ट्रेस को फन में, आप अपने एग्जाम्स को जो टाइम है ना उसको स्ट्रेस मत लीजिए, फन एक्टिविटी में करिए। ये सोचिए अगर आपका क्लास 10th में है तो ये मत सोचिए अरे क्लास 10th में, ये सोचिए अगले साल क्लास 11th में जाएंगे, यू बिकम अ सीनियर, ओके। आप 11th में जाएंगे, नए सब्जेक्ट लेंगे, आपकी पूरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप क्या है, क्लास 10th के बाद 11th में, मतलब आप ये आप क्लास 10th में नहीं, आप 11th में बोलेंगे मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, मैं कॉमर्स वाला हूँ, मतलब क्या करूँगा, मैं CA बनने वाला हूँ। तो आपकी लाइफ की शुरुआत अब यहीं से होने वाली, तो इसको बड़े फन में करिए कि बस एग्जाम खत्म होगा फिर तो घूमने, सोच लीजिए भैया आपको घूमने कहाँ जाना है ना, उसके बाद कौन से कॉलेज में, अभी से सब कुछ एकदम, तो उसमें भी इतना नहीं खोलना, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। क्या करना है हमें, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, वो भी एकदम मजे के साथ, है ना। तो वो मजे कैसे आएगा, अब चलो मैं बताती हूँ, है ना। तो पहले भैया पूरा एक टेबल आपने सामने रख लो कि कितने दिन बचे हैं, घड़ी भी रख लो और क्या करो कैलेंडर, ये सब चीजें जहां पढ़ते हो ना वहां पे एकदम रखे रहने चाहिए, है ना। और अपना एक जगह फिक्स कर लो कि मुझे इसी जगह पे पढ़ना है ना, तो पहले आप अपना जगह फिक्स कर लो, वहां पे कैलेंडर टांग दो बड़ा सा और एक घड़ी रख लो कि भैया वो घड़ी आपके जीवन की घड़ी है, वो चलते रहेगी, आपका पढ़ाई चलते रहना चाहिए, ठीक है, वैसा, ठीक है। तो आपको पूरे शेड्यूलिंग करनी है, ठीक है। तो पहला क्या करना है आपको, इतने सारे सब्जेक्ट है ना, रोज लेके चल रहे, मेरे पास मैथ्स भी है, बायोलॉजी भी है, है ना। 12th वाले सोच रहे होंगे मैथ्स भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश सब पढ़ना है। वैसे मेरे 10th के बच्चे क्या सोच रहे हैं, मेरे हम लोग के पास 6 सब्जेक्ट हैं मैडम, 3 लैंग्वेज, 3 इधर के, हमारी हालत ख़राब हो गई है, 1 महीने, 1 महीने है समझे, आपके हिसाब से 1 महीने, मेरे हिसाब से 1 महीने, 30 दिन, चलो फरवरी में तो 28 दिन है अभी, है ना, फिर भी हमारे पास टाइम बहुत है। अब उसको टाइम को कैसे यूज़ करना है, इट मीन्स टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ना, अगर आप उस पर फोकस करें तो एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे, ठीक है। तो चलो पहले क्या करना है बच्चे, आपको अपना जो टाइम टेबल है ना, आप जहाँ भी बैठते हो पढ़ते हो, पहले तो एक जगह फिक्स कर लो कि मुझे इसी जगह पढ़ना है। तो उसके बाद दो टाइम, एक तो टाइम टेबल है ना कि भैया मुझे टाइम टेबल, मेरा टाइम टेबल क्या है वो मेरे सामने बड़े बड़े लिखो, मुझे जब भी मैं उठते गाते सोते जागते क्या मेरा टाइम टेबल बताना चाहिए कि मेरे पास इतने दिन है ना। और उल्टी घड़ी चालू कर लो, अब आज अगर आपका तारीख है 30 तारीख, तो आपका तैयार एग्जाम 1-2 मार्च को, तो उल्टी के लिए 28 दिन बचे हैं, है ना। तो 28 दिन का शेड्यूलिंग अभी से कर लो। पहले तो क्या करो, अपने टाइम जहाँ पे भी पढ़ते हो, घर में है ना, जिस जगह पे पढ़ते हो वहाँ पे एक बड़ा सा टाइम टेबल डालो, ये क्या है एग्जाम का टाइम टेबल। दूसरा टाइम टेबल होगा शेड्यूल, शेड्यूल क्या होगा आपकी एक कैलेंडर, इट मीन्स कितने दिन बचे हैं और कितने क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, दूसरा कितने बजे आप क्या पढ़ेंगे, ये दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। अगर शेड्यूल की बात की जाए तो आप क्या करेंगे, उल्टी गिनती चालू करेंगे, जैसे हम 1 तारीख से मिला, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आप क्या करो डेट लिख लो एक शीट में, है ना, ठीक है। उसके बाद एक साइड लिखो टाइम, ठीक है। अब कैसे आपके पास सब्जेक्ट क्या है, जैसे आप हमारे 12th वाले बच्चे होंगे, इनके पास 5 सब्जेक्ट हैं जिसमें मैथ्स या बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश। वैसे 10th के बच्चों के पास मैथ्स, साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ठीक है। तो ये क्या है बच्चे, आपके 3 क्या है लैंग्वेज के पेपर है ना, और ये 3 है कॉन्सेप्ट बेस्ड मैथ्स वाले, है ना,
इसी में आप लोगों को ये तीन बहुत ज्यादा फोकस करना है, लेकिन इन दोनों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये तीनों कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन ये दोनों क्या है, मार्क्स दिलाएंगे आपको 80% पे, ये और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको इनका पूरा लिख लो। अब उसके बाद क्या लिखो कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में कितने आपके लेसन है, यूनिट्स है ना। सपोज मैथ्स में आपके कितने हो सकते हैं, 16 हो गए, हमारे साइंस में 21, SST में 21 है ना, ये सब पूरी लिख लो। इन तीनों में क्या क्या पढ़ना है, लैंग्वेज में पत्र पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, सब चीज़ें पूरी। जब पूरी चीज़ें आपके दिमाग में होगी ना, ये एक पूरा शीट बना लो बच्चे, दो तीन पेज निकालो है ना, और पूरा लिख लो कि भाई मेरे मैथ्स में इतने सब्जेक्ट, इतने चैप्टर्स हैं, साइंस में इतने चैप्टर्स हैं, फिजिक्स में इतने हैं, केमिस्ट्री में पूरा। पहले जब अगर आपकी 10-25% तैयारी तब हो जाती है जब आप पूरे सिलेबस को गो थ्रू कर लो। जब 2 से 3 बार आप सिलेबस को गो थ्रू करते हो ना, इटमीन्स आपकी तैयारी 25% हो गई है, ठीक है। तो उस 25% को पहले आप कर लो, पूरा सिलेबस रख लो, ठीक है, पूरे पेपर में लिख लो कि भाई इतने चैप्टर्स हैं, ये मेरे हार्ड कोर चैप्टर है, ये मेरे एकदम इजी चैप्टर है, ऐसे करना है इसको, किस दिन ऐसे करूंगा, ये सब चीजें पूरी लिख लो। अब क्या करना है, ठीक है, टाइम डिसाइड कर लो और डेट, ठीक है। जैसे मैथ्स को आप सब लोग रोज दो, चाहे वो 10th वाले हो, 12th वाले हो, ठीक है। अब सुबह उठोगे है ना, पहले टाइम स्लॉट बांधो कि वैसे मैं 6:30 उठ रहे, तो एक टाइम स्लॉट होगा 7 से 10, दूसरा अब 1-2 घंटे का ब्रेक ले लो 12 से 2, फिर क्या करोगे 2 बजे खाना खाने उठो 3 बजे तक, ठीक है, फिर 3 से 5 पढ़ो, फिर 5 से 6 ब्रेक ले लो, फिर 6 से 9 पढ़ो, फिर 9 से 10 ब्रेक लो, फिर क्या होगा 10 से 12। तो ऐसा टाइम शेड्यूल आपके पास पूरा होना चाहिए मेरे बच्चों, ठीक है, ये टाइम शेड्यूल आपके पास बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है, ये टाइम शेड्यूल कर लो। उसके बाद पर्टिकुलर करो कि मैं सुबह उठते ही क्या करूं, साइंस कर लूं, ठीक है, उसके बाद ये 12 से 2 में मैं लैंग्वेज कर लूं, उसके बाद जो मेरा टाइम क्या बच रहा है जो दोपहर के, ये 3 से 5, इसमें बहुत नींद आती है ना, तो आप कुछ एकदम कॉन्सेप्ट वाला पढ़ने बैठोगे तो दिक्कत होगी। तो इसमें क्या करोगे, आप क्या करोगे, जो आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कोई चीज़ देख के पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, या कोई चीज़ आपके नोट्स के में है जिसको आपको नया बनाना, वो इस टाइम में करो, ठीक है, इस टाइम में करो। फिर 6 से 9 में आप शाम को मैथ्स करो, फिक्स कर लो, इस शाम के 6 से 9 में मैं 3 घंटे मैथ्स करूंगा रोज, है ना। तो आप क्या करो, यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ रहे हो या जो भी कर रहे हो वो कर लो, फिर क्या करो यहाँ पे मैथ्स कर लो, फिर लास्ट के 2 घंटे हैं रिवीजन फॉर द डे। तो कितने घंटे मिल गए भाई यहाँ पे, 3 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 3, 3, 3, 7, 7, 3, 10 और 2, 12 घंटे पढ़ लिए, और क्या चाहिए, 12 घंटे, और अच्छे पढ़ाई के 7 से 8 घंटे टाइम, और आप तो 12 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, ये कर लो, ठीक है। तो इसके बाद क्या करोगे, फिर हर दिन कर लो, मुझे साइंस के कितने चैप्टर खत्म करने हैं, पहले दिन में 5 करूंगा, ठीक है, तो यहां से यहां तक साइंस ले लो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक SST ले लो, फिर आप क्या करो, फिर अलग सब्जेक्ट को, तो ऐसे करते जाओगे तो देखना आपके 10 के 15 दिन में ही पूरे सिलेबस कंटिन्यू। रोज आप लैंग्वेज कर रहे हो तो एक दिन पत्र लेखन कर लो, एक दिन इंग्लिश का, नेक्स्ट डे हिंदी का, ऐसे तैयारी कर लो, ये पैचेस करके रखो। और जैसे आपका पहला पेपर क्या है, 1 या 2 को है ना, उसके 3 दिन पहले तक का कोई स्लॉट मत रखना, उस 3 दिन पहले में क्या करोगे, आप सिर्फ उस पेपर का पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो ये पूरा करो बच्चे, पहला है आपको शेड्यूल ये पता होना चाहिए, और टाइम शेड्यूल अपने, ये मैंने बताया टाइम शेड्यूल, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग टाइम शेड्यूल बांटो कि आप कितने घंटे सुबह दोगे, दोपहर को दोगे, शाम को, और किस टाइम क्या करोगे। ये जब आपके पास लिखी होंगी ना, और टारगेट करो, गोल्स फिक्स करो, और पढ़ाई क्यों कर रहे हो ये चीज पता होनी चाहिए, है ना। तो आपका पर्पस पता होना चाहिए कि पढ़ने का, आपके सब्जेक्ट्स पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट्स को मुझे करना है, गोल सेट करो टाइम का भी और सब्जेक्ट का भी, सब्जेक्ट के अंदर आपको सिलेबस के, भैया मुझे इतने दिन में ये खत्म करना है, ये पूरी लिखे होंगे ना, अपने आप को टारगेट दो। जब अपने आप को टारगेट दोगे तब कम, कोई और देता है तो इजी लगता है, अपने आप को चैलेंज करो ना। हम अपने आप को जब चैलेंज करेंगे ना, तो अपने आप को हराएंगे भी और अपने आप से जीतेंगे भी। जब ये करोगे ना बच्चे, आपके एग्जाम प्रिपरेशन बहुत आगे जाएगी, ठीक है। तो आपको ये पूरा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कैलेंडर वाइज और टाइम वाइज, दोनों शेड्यूल आपको एक साथ लेके चलने होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, गोल सेटिंग, ठीक है, क्या करना होगा, मैंने बोला ना टाइम और डेज,
ये आपको दोनों करने होंगे बच्चे मेरे, है ना। गोल पूरा सेट करना पड़ेगा कि इस दिन में मैं इतना खत्म कर लूंगा, और 1 से 2 का बफर जोन जरूर रखना, मतलब अगर कुछ हुआ कि इस दिन नहीं हुआ तो इसको अगले दिन तक खत्म करना है, ठीक है। सेकेंडली, आपको जैसे आप बहुत सारे बच्चे होते हैं कि याद नहीं होता, ठीक है, तो क्या करना है बच्चे देखना, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सुबह उठते ही आधा घंटा पिछले जो 3 दिन की चीजें पढ़ी हैं वो लिख करोगे, ठीक है। उसके बाद अपना दिन भर का शेड्यूल करोगे, रात के सोने से पहले जो फिर दिन भर पढ़ा है उसको आधा घंटा फिर पढ़ोगे, आधा घंटा सुबह आधा घंटा रात, मतलब 3 बार आपने पूरा दिन भर पढ़ाई की, 7 से 10 से लेकर रात के 12 बजे तक, ठीक है। सोने से पहले आधा घंटा पूरा दिन भर का पलटा लो, नेक्स्ट डे सुबह उठते फिर आधा घंटा उसको पलटाओ, तो 3 टाइम आपने एक चीज को पढ़ ली, है ना। अब पढ़ना कैसे है उस पूरे दिन भर का, तो अगर एग्जाम के टाइम में कैसे चीजें याद करनी है ना, ये सबसे बड़ा बात आएगी। तो क्या करना है देखो, जैसे समझ लो आपको पूरे चैप्टर का एक समरी फॉर्म कैसे लिखेंगे, ठीक है, उस पे मैं बात करती हूँ। जैसे एक अपना चैप्टर ले लेते हैं, क्या हम लोग हैं, बताओ भाई कोई चैप्टर बताओ, चलो फिजिक्स का हम लोग ले लेते हैं परावर्तन, परावर्तन। तो परावर्तन क्या होता है, परिभाषा लिख लो एक साइड, है ना, इसका डायग्राम बना लो भाई, आपतित किरण परावर्तित किरण, ठीक है। उसके बाद इसके नियम क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और आपतित किरण परावर्तित अभिलंब एक समतल पर, ये हो गया, ठीक है। परावर्तन में दर्पण, गोली दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल ऐसा हो गया भाई, उत्तल ऐसा हो गया भाई, ठीक है। इसमें प्रतिबिंब की रचना, पहला क्या है भाई, अगर हम अवतल दर्पण के लिए देखें, बड़ा अगर समांतरांतर आती है तो किससे, फोकस से जाएगी, दूसरा फोकस से आती है तो पैरेलल जाएगी, तीसरा सी से आती है तो सी पे क्या होता है, सी से आती है सी पे वापस ले जाती है, चौथा अगर पी पे एंगल पे आती तो इसी पे। तो ये क्या है आपके भाई, आप पूरे एक चैप्टर को बना लो, ठीक है। अब इन दोनों के आपको क्या करना है, प्रतिबिंब देखने हैं, है ना। तो पहले अवतल का लिख लो, है ना, एक टेबल बना लो अवतल के लिए, एक उत्तल के लिए बना लो। फिर क्या करना है आपको, दर्पण फॉर्मूला लिखना है, है ना, दर्पण का 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, संवर्धन m माइनस v/u। तो ये पूरा चैप्टर को आप क्या करो, एक पेज में क्या करो, समरी कर लो, है ना। क्या बोला, पूरे एक चैप्टर को समरी कर लो, और एक अपने शॉर्ट नोट्स रखो लास्ट टाइम के लिए, है ना। पूरा एक अलग से कॉपी बना लो, या तो व्हाइट पेजेस में बनाना शुरू करो हर चैप्टर को। जैसे आपने आज फिजिक्स के 3-2 चैप्टर ही पढ़े, परावर्तन अपवर्तन, है ना, तो उसका इतना एक ही चैप्टर में कर लो कि लास्ट डे पूरा ना पढ़ो, पेपर के पहले पूरा वो एक माइंड मैप भी पढ़ा लिए ना, तो पूरा आपको चीजें याद आनी चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध पढ़ा, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव क्या थे, ये क्या था, ये क्या था, अच्छा हाँ खत्म। ये करोगे ना, हैंडी नोट्स हर चैप्टर के 10-15-16 चैप्टर होंगे, 21 पेज 21 पेज 21 पेज, लास्ट डे पे आपको पूरा नहीं पढ़ना होगा, पेपर के 1-2 घंटे पहले यही, और रात को इसको पूरा एक बार पढ़ लो, है ना। जैसे ही आपने कोई चैप्टर शुरू किया, एक पूरा ऐसा मैप बना लो शुरू में ही, है ना, या एक बार पढ़ो, अब अच्छा मेरा ये चैप्टर खत्म हो गया, अब तो मैं जान गया चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पूरा बना लो और उसको साइड में रख दो। रात को सोने से पहले उसको वापस पढ़ो, जैसे मैथ्स पढ़ा तो मैथ्स के जितने फॉर्मूले थे, है ना, उसको उस पेज में लिख लो, है ना। फिर उसको रात को अच्छा ये फॉर्मूला, इतनी चीज़ें यूज होंगे। साइंस पढ़े तो ये चीज़ें, अच्छा पत्र पढ़ा था इसके इंपॉर्टेंट ये, रात के आधे घंटे पहले अब ये पढ़ो, और रात को सुबह होने के बाद, तो ये चीज़ें जैसे बोलते ना, रात को सोने के पहले एक गोली ले लेना, सुबह उठ के एक गोली, ये वही गोली है आपकी कॉपी और खुद के नोट्स ना बेटा, सबसे ज़्यादा आपकी कमाई है ना। अगर आपकी मेहनत है तो आपके नोट्स है, आपके नोट्स ही होंगे जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, है ना। तो पूरे चैप्टर को क्या करो, छोटी छोटी कॉपियाँ बनाओ या पेजेस बना के रखो, है ना। सामाजिक विज्ञान के लिए हो गया, विज्ञान के लिए, गणित के लिए, सेम चीज़ आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ करो, है ना। तो उसके साथ क्या, आप नोट्स बना के रखो और उसको फॉर्मूला
बुलेट्स को एक एक जगह लिख के रखो, है ना, उस चैप्टर के मैप या एक पेज में खत्म करने की कोशिश करो। जब आप पूरे चैप्टर को एक पेज में खत्म कर लोगे ना, अगर वो कर लिए तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप उस चैप्टर से कुछ भी आए आप लिख लोगे। तो अपने आपको ये टास्क बोल, भैया एक चैप्टर खत्म करते ही मैं क्या करूंगा, इस तरीके से पूरा चैप्टर का एक ही पेज में आना चाहिए, ज्यादा ज्यादा दो पेज आगे पीछे, उससे ज्यादा आपको उस चैप्टर का नहीं लिखना। इसी को हम क्या बोलते हैं, या तो माइंड मैप बोलते हैं या तो सिनॉप्सिस फॉर्म। सिनॉप्सिस फॉर्म मतलब क्या होता है कि वो टॉपिक लिखा उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, फिर टॉपिक लिखा फिर क्या अंदर चीजें, उसको भी आप बना के पढ़ोगे ना तो जब पेपर के टाइम आपको ज्यादा नहीं पढ़ना होगा और क्विक रिविजन के लिए वही काम आता है। अब हम आते हैं अपने आंसर राइटिंग पे कि हमें एग्जाम में आंसर कैसे लिखनी है ना, अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो क्या करना है बच्चे, आपको रोज रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, लिखने का अभ्यास करना है। मेरी राइटिंग बहुत खराब है ना बच्चे, मत ध्यान देना, ठीक है, लिखने का अभ्यास करना है। आप जब उस लिमिट टाइम में लिखने का अभ्यास करेंगे ना बच्चे, तो पता चलेगा कि अच्छा मैं इतना लिख पा रहा हूँ नहीं। तो 3 घंटे की सीटिंग मैक्सिमम रखिए कि 3 घंटे हमें एग्जाम में बैठना है, तो 3 घंटे आप वहाँ बैठ पा रहे कि नहीं बैठ पा रही, अच्छे से देखिए, है ना। और 2 मार्क्स की क्वेश्चन कितने शब्दों में लिखना है भाई, 30 शब्दों में, है ना। 3 मार्क्स का 50 शब्दों में, 75 शब्दों में, 100 शब्दों में, 50 शब्दों में, है ना। हमें क्या है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4, 5, 6 ऐसे ही लिखने हैं। तो ये बना के रखो, है ना, और अच्छे मार्क्स चाहिए बच्चे, है ना। तो आप वहाँ पे बार डायग्राम देना शुरू करो, इधर लिख तो रहे हो, है ना, यहाँ पे बार डायग्राम देना शुरू करो, चित्र बनाओ, ठीक है, ऐसे डायग्राम बना के लाओ, उसको रेखा आरेख के द्वारा समझाओ, है ना, कोई ग्राफ बना दो या कुछ नहीं तो इंटरलिंकिंग, 4 चीज़ों को बक्से में लिख दो, बस जो पॉइंट्स लिख रहे हो ना उसको लाइंस ऐसे क्या करो, एक साइड में आपकी क्या आंसर शीट ऐसी रहेगी लंबी, ऐसी लंबी ऐसी रहेगी, है ना। तो इस साइड क्या करो, 4 पॉइंट्स में लिख दो, फिर इधर आंसर लिखो, और आंसर बुलेट पॉइंट में, पैराग्राफ में नहीं लिखना है, क्या करना है बुलेट पॉइंट में, 1, 2, 3। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 30 शब्द मतलब 4 लाइन में खत्म हो जाने चाहिए बच्चे। 3 मार्क्स का 50 शब्द मतलब 6 से 7 लाइन में, और इससे ज्यादा नहीं। और कोशिश करना जो तो 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन है ना उसमें सिर्फ पॉइंट 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 लिखो, ठीक है। 2-3 पॉइंट में जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 से 5 पॉइंट लिख दे, आधा 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 नंबर, 2 नंबर, इस तरीके से करो, अच्छे आंसर राइटिंग ऐसी होगी। सभी पढ़ते हैं बच्चे, है ना, बोर्ड परीक्षा आपके ऐसे 2 से 3 लाख लोग और दे रहे हैं, 2 से 3 लाख में आप कैसे अपने आप को मेरिट में लाते हो, है ना। केवल 10 बच्चे मेरिट में आएंगे, तो वो आप 10वें पहले बच्चे कैसे बनते हो, है ना, वो अच्छे आंसर से। वही हम जो पुरानी किताबें पढ़ रहे हैं 2-3 गाइड लेके, सेम आंसर उसी को तो हर कोई पढ़ के जाने वाला है ना। तो आप अपना आंसर कैसे फ्रेम करोगे, जब इस पे काम करोगे ना, अपने आंसर खुद बनाओ, पढ़ो भले लेकिन लिखो अपना, बोलते ना सुनो सबकी करो अपनी, वही है, पढ़ो सब लेकिन लिखो अपने अच्छे से, अपना आंसर फ्रेम करो, की पॉइंट्स निकालो, अच्छा ये है, वहाँ पे हाईलाइट करो की पॉइंट्स को, ठीक है। बाजू में छोटा छोटा डायग्राम दो, कुछ भी हो, मैथ्स में है तो आप पहले लिखोगे कि दिया है, क्या क्या दी है कॉपी में, याद करना है, फिर इंपॉर्टेंट सूत्र है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट सूत्र लगा रहे हो, सूत्र अनुसार, दिया अनुसार, समीकरण 1 से, समीकरण 2 से, सेम चीज़ फिजिक्स में करेंगे आप, कॉन्सेप्ट ये था, ये नियमानुसार, है ना, केमिस्ट्री में इस तथ्य को हाईलाइट करो, जहाँ पे आप कोई तथ्य परिभाषा कर रहे हो ना उसको क्या करोगे, हाईलाइट कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो पूरा अगर एग्जाम नहीं पढ़ पाएगा ना चेक करने वाला आपको, वो अच्छा ये चीज़ें इसमें इसमें डाल दी, मतलब इस बच्चे को आंसर आता है, ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखो कि आपको आंसर, अच्छा आंसर लिखना नहीं है, अच्छा आंसर लिखना है ना, चीज़ों को हाईलाइट करो, और 10 कलर के पेन यूज़ नहीं करने हैं, सिर्फ आपके ब्लू पेन से ही, ब्लू और ब्लैक पेन से ही यूज़ करना है, ठीक है। तो ऐसे अच्छे आंसर लिखो बच्चे, ठीक है, रंग बिरंगा नहीं करना, तिगड़म बिगड़ा, और कार्ड फिट बिल्कुल नहीं करना, सिक्वेंस वाइज चलना है, ठीक है। अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि एग्जाम में वो 3 घंटों में कैसे प्रिपरेशन कर, कैसे आपको आंसर लिखने, कैसे आपको उस 3 घंटों को मैनेजमेंट करना, तो उस पर्टिकुलर 3 घंटों की मैनेजमेंट मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो ये इसमें क्या मैंने बताया, टाइम मैनेजमेंट, मतलब टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या कि आपको अपने आपको कैसे बांध के रखना है। तो कैसे बांध के रखना है भाई, आपका टाइम टेबल पता होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए कि मैं इतने से इतने ये पढ़ूंगा, इतने से इतने दिन में ये खत्म करूंगा, है ना। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, ये सब चीज़ें जब आप प्रॉपर वे में करते चलेंगे तभी अच्छे मार्क्स आएंगे बच्चे, है ना। चलो मैं फिर से एक चीज बता देती हूँ, क्या क्या होना चाहिए आपका टाइम टेबल, कितने डेज में आप करने वाले हैं, जैसे आप 1 तारीख से 2 तारीख, 3, 4, 5, 6, है ना,
आपके पूरे सब्जेक्ट्स आपके पास लिखे होने चाहिए, है ना। टाइमिंग स्लॉट कि मैं 7 से 10 में क्या पढ़ूंगा, है ना, फिर 12 से 2, 3 से 5, 6 से 9, फिर 10 से 12। और रोज आपको आधे घंटे मॉर्निंग में और आधे घंटे रात को सोने से पहले नाइट में, है ना, रिवीजन के लिए देना है जो दिन भर पढ़ा। और आपको क्या करनी है, एक पेजेस लगभग 10-15 पेजेस की क्या करनी है, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स के लिए अपने पेपर बनाने, है ना। तो आप क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को उसमें खत्म करेंगे ऐसे विंग्स निकाल के, माइंड मैप बना के, है ना। या फिर सिनॉप्सिस में अगर आपने प्रकाश का परिवर्तन लिखा है तो उसके नियम को 2 लाइन में लिख दो, प्रतिबिंब की रचना को 3 लाइन में लिख दो, कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते उसका चार्ट बना लो। ये 1 से 2 पेज में हर चैप्टर, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ो, वो हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आप लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हो, पत्र है, एक दिन पत्र ही पर तैयारी करो, दूसरे दिन क्या करो, ऐसे तैयार करो, तीसरे दिन ग्रामर करो, हर 2-2 घंटे देते चलो। और इसे करते करते देखोगे कि आप 12 घंटे पढ़ लिए बच्चे, और 8 से 9 घंटा पढ़ना भी बहुत होता है, तो आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, है ना। इस तरीके से पढ़ोगे ना, बहुत अच्छे पढ़ाई करोगे और बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है। तो इसी तरीके से करो, और कुछ डाउट आता है तो आप कॉल करके पूछो, कमेंट करके पूछो, ठीक है, या और इसमें कुछ समझना तो भी, ठीक है। तो एग्जाम में 3 घंटों में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, मैं ये चीज़ें और भी बताऊंगा, ठीक है बच्चे। तब तक अपनी तैयारी अच्छे से करो, किसी भी क्लास के क्यों ना हो, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी के लिए भी और आगे के लिए। इस तरीके से पढ़ोगे तो आगे की हर चीज़ों के लिए तैयार रहोगे, ठीक है। तो बच्चों, आपको अपने एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और अपने एग्जाम के लिए लगे रहिए, ठीक है। थैंक यू।